और मेनू याद आया आमिना दे लाल अली इस्लाम दे कोल ये बदर दे 70 कैदी ले आके पेश कर दीते जांदे ने सहाबा दे नाल मशवरा करके मेरे मुस्तफा ने ऐलान कर दिता है मक्के वाले आउन इन्हां कैदियां दा फिदिया दे के आजाद करवा के लै जान कैदियां नू आजाद करवा के मक्के वाले ले जा रहे ने एक आउन वाला आया मुतम बिन अदी दा पुत्र आया आके 70 कैदियां दे पैसे मुस्तफा अली इस्लाम नू देंदा है ऐ मेरे खानदान दे फलाने 7 बंदे आजाद कर दियो मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने सहाबियो इहदे पैसे भी इहनू वापस कर दियो जिहड़े 7 बंदियां ते हथ रखदा 7 कैदी आजाद कर दियो सहाबा आंदे ने अल्लाह दे नबी जी इहदी की वजह है जदों सारियां कोलों फिदिया लै रहे हो क्या इहदे नाल को खास तुहाडा तअल्लुक है इहदे कैदी बगैर फिदिया लैण तों आजाद करने ने मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो इहते मुतम बिन अदी दा पुत्र ज़ैद बिन अदी आया है अज अगर एदा बाप मुतम बिन अदी जिंदा हुंदा मैं अल्लाह दे नबी दा कलमा ना पढ़दा इन्हां बदर दे 17 कैदियां दी आगे सिफारिश कर देंदा मैं अल्लाह दा नबी एदे बाप दे कहन ते 70 कैदी बगैर फिदिया लैण तों आजाद कर देंदा ओदी वजह ए वे एदा बाप मुतम बिन अदी बचपन दा मेरा यार सी मक्के वाले मेरा बाइकाट कर दिता है ताइफ वाले मैनू जख्मी कीता है गारे हिरा पहाड़ी दे करीब मक्के वाले ने मेरे नूं मक्के दाखल होण तों मना कर दिता है मैनू मक्के दाखल नहीं होण दिंदे ए मेरे बचपन दा यार मुतम बिन अदी घरों बाहर निकल आया घरों बाहर निकल के कहिंदा मक्के वालियो खबरदार खबरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मैं अपने घर जगह देना वा मैं अपने घर पनाह देना वा मैं अपने घर अमान देना वा उस औखे वेले मुतम बिन अदी ने मैनू अपने घर पनाह दित्ती सी अज वह जिंदा नहीं अगर वह जिंदा हुंदा मेरा कलमा ना भी पढ़दा मैं अल्लाह दे नबी को आके इन्हां कैदियां दी सिफारिश कर देंदा मैं अल्लाह दा नबी इन्हां कैदियां नूं आजाद कर देंदा मेरे नबी ते अगर किसे काफर ने भी भला कीता आमिना दलाल ने ओदी अच्छाई भी नहीं भुलाई वीरिया अगर तेरे नाल अच्छाई करन वाली तेरी मां होए अगर तेरे नाल अच्छाई करन वाला तेरा बाप होए अगर तेरे नाल अच्छाई करन वाला तेरी मस्जिद दा इमाम ते खतीब होए अगर तेरे नाल अच्छाई करन वाला तेरी मस्जिद दा नमाजी होए तेरा मां जमया पुत्र होए तेरा मां जमया बाप होए तेरा कोई रिश्तेदार होए ते तू ओदे एहसानात दी कदरदानी ना करे फिर तू बहुत बड़ा ना शुक्र है कुरान मेरी तेरी तरबियत कर रहा है फरमाया मन जा बिल हसनत फलहू खैरुम मिनहा फरमाया बंदे क्यामत नु मेरी अदालत दे अंदर एक नेकी लेके आएगा मैं रब बेहतर बदला दियांगा दूसरे मुकाम ते फरमाया हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान फरमाया नेकी दा बदला नेकी हो सकदा है भलाई दा बदला भलाई हो सकदा है खैर दा बदला खैर ही हो सकदा है अच्छाई दा बदला अच्छाई हो सकदा है मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरी गल ते मेरा सलाम जे नबी अली सलातो वसलाम अपने घर तशरीफ ले आए ने हजरत सैयदा मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अनहा दा हुजरा मुबारक मेरे आका इस्लाम आके अर्ज करदे ने मेरे आका फरमांदे ने आयशा जी अल्लाह दे नबी जी मेरे सिर दे ताज हुक्म फरमाओ ना मेरे आका फरमांदे ने आयशा घर दे अंदर को खाण वास्ते चीज है ते दे मां जी अर्ज करदियां ने अल्लाह दे नबी जी घर दे अंदर सत्तू भी कोई नहीं घर दे अंदर खजूरां भी कोई नहीं मैं कुर्बान जावां अज घर दे अंदर कोई चीज मुयसर नहीं मेरे पाक पैगंबर ने वजू फरमा लिया आप मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ लै गए ने मां जी बयान करदियां ने मैं वो खिड़की जड़ी मस्जिद वाले मेरे हुजरे चो खोल दी है मैं पर्दा सैड से कर लैनी हाँ मैं अल्लाह दे नबी दा अंदाज वेख रही हाँ नबी अली इस्लाम बड़े बेचैन बेचैन ने मैं जिंदगी दे अंदर कदी अल्लाह दे नबी नूं इन्ना बेचैन नहीं वेख्या आप ए कोने दे अंदर दो रकतां पढ़ते ने आओ कोने दे अंदर दो रकतां पढ़ते ने नाले मेरे पाक पैगंबर दियां अखां चो आ
मांसु गिर रहे ने। हजरत माँ जी आयशा सिद्दीका दे हुजरे मुबारक दे अंदर हजरत जनाबे सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनहु तशरीफ ले आए ने। माँ जी मैं अल्लाह दे नबी नु मिलना चाहना वा, मैं अल्लाह दे नबी नाल मुलाकात करने वास्ते आया वा। माँ जी बयान कर दिया ने बेटा उस्मान अल्लाह दे नबी आए सन, हजूर ने ए सवाल कीता है, मैं ए जवाब दिता है, बेटा उस्मान अल्लाह दे नबी वजू करके मस्जिद चले गए ने, अल्लाह दे नबी दी मैं कैफियत वेख रही हाँ, मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर नू कदी भी इन्ना बेचैन नहीं वेखिया। जनाबे सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो फौरन वापस गए ने, एक बकरी जिबा करके ले आए ने, आटे का थैला लैके आए ने, माँ जी नू लिया के पेश कीता है, ते नाल आंदे ने माँ जी आइंदा घर दे अंदर जदों भी इंज दा कोई मौका बन जाए अपने बेटे उस्मान नू याद कर लिया जे, असी एडे भी ते नहीं रह गए, अपने बेटे उस्मान नू याद कर लिया करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस चले गए ने, माँ जी ने खाना तैयार कर लिया, आमिना दिलाल इस्लाम मस्जिद चो कर तशरीफ ले आए ने। माँ ने टिब्बे दे अब्बासिया आ मैं रब दा वास्ता दे के हाथ जोड़ के एक गल करांगा, कदी भी हराम ना कमाई, अपने बीवी बच्चियां नू माँ बाप नू हराम ना खवाई। आ वेख नबी दा हुजरा सारी कायनात दी अजीम ममता, अगर मेरा नबी चांदा ते रब उहद पहाड़ सोने दा बना देंदा, लेकिन आमिना दिलाल अली सलातो वसलाम ने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी पसंद की थी। नबी अली सलाम अपने घर तशरीफ ले आए ने, दस्तरखान लगे, कायनात दे इमाम दस्तरखान ते बह गए, आयशा किवें इंतजाम होया, किन्ने इहतमाम कीता। माँ जी अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे नबी जी तुहाडा दौरा दमाद उस्मान आया सी, नाले राशन दे के गया, नाले जांदियां जांदियां ए गल भी कह के गया, माँ जी आइंदा जरूरत बन जाए तुसीं अपने बेटे उस्मान नूं पैगाम भेज दिया करो, मैनूं याद फरमा लिया करो। माँ जी बयान कर दिया ने मैं अल्लाह दे नबी दा अंदाज वेख रही हाँ, नबी अली इस्लाम जेड़ा भी लुकमा उतार देने आप अपना लुकमा उतार के इस तरह अपने मुँह दे करीब करके अपना चेहरा आसमान वाल उठा लेंदे ने, ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह मैं अपने उस्मान ते राजी, तू भी मेरे उस्मान ते राजी हो जा। अवेक अपने मोहसिनीन दे एहसानात दी नबी पाक किवें कदरदानी करदे ने, शायद किसी नूं खाना खिलाना, किसी दे घर खाने दा इंतजाम कर देना, मेरे तेरे कागजा दे अंदर बड़ी नेकी नहीं, नबी अली सलातो वसलाम दे नाल ए नेकी कीती मेरे उस्मान ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर हर लुकमे ते अल्लाह दे कोलों दुआ कर रहे ने, अल्लाह मैं उस्मान ते राजी, तू भी मेरे उस्मान ते राजी हो जा। वीरिया अपने मोहसिनीन दे एहसानात दी कदरदानी करिया कर, अपने मोहसिनीन दे एहसानात दी कदरदानी करना रब दी सिफत वी है ते रब नू पसंद है, अपने मोहसिनीन दे एहसानात दी कदरदानी करना मेरे मुस्तफा अली इस्लाम नू भी पसंद है, और जगां दे पीर अली इस्लाम ने मेरी तेरी यही तरबियत फरमाई।